हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने मोबाइल में स्पीड डायलिंग को इनेबल कर सकते हैं। और देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्पीड डायलिंग आखिर होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक देखना है। देखिए, हम पर डे न जाने कितनी कॉल्स करते हैं। अगर आप एक ही नंबर पर एक दिन में 10 से 20, 25, 30 कितनी बार कॉल करते हैं, तो ऐसे नंबर को आप स्पीड डायलिंग में सेट कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपको बार बार नंबर डायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर बार बार कॉल हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से नंबर को डायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली डायलिंग की एप्लीकेशन में आएंगे और यहाँ पर किसी भी एक की को प्रेस कर देंगे जिस पर आपने उस नंबर को सेट किया होगा। आपको डायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कॉल हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। हर एक मोबाइल में लगभग सेम फीचर मिलेंगे और आपको मैं बताऊं कैसे आपको ये सेटिंग करनी है। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे एक नंबर दो, यहाँ पे टू को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखता हूँ। जैसे मैं लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि कौन से नंबर से कॉल करनी है। मेरे पास में दो सिम कार्ड्स हैं। ठीक है, तो देखिए कौन से नंबर से आपको कॉल करनी है। आपको सिर्फ यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है और कॉल जाना। इसी तरह हम किसी दूसरे की पर, तीन पर, चार पर, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, हमारे पास में नौ नंबर यहाँ पे सेट किए जा सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना होगा कि आपने कौन सी की पर किसका नंबर सेट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको की नंबर थ्री पर कोई नंबर सेट करना है कि आप जब की नंबर थ्री को प्रेस करके रखें तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नंबर डायल हो जाए, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आपको प्रेस करके रखना है। जब आप प्रेस करके रखेंगे तो अगर नंबर कोई यहाँ पे लिंक नहीं होगा तो आप यहाँ पे नंबर लिंक कर पाएंगे। उसके लिए आपको असाइन के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं सैमसंग का A30 मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फीचर बता रहा हूँ। हो सकता है आप किसी दूसरी कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन फीचर लगभग सभी में आपको ये मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत से कॉन्टैक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से आप कोई भी एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये नंबर सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए, मैंने जो नंबर थ्री था इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया है। जिस तरह मैंने नंबर तीन पर किया है, इसी तरह मैं चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ सब पर कर सकता हूँ। अब देखिए, मुझे कुछ नहीं करना। मान लीजिए मुझे अपने जियो के नंबर पर कॉल करनी है तो मुझे कुछ नहीं करना, डायलर में आऊँगा और तीन को प्रेस करके रखूँगा और तीन को प्रेस करके रखूँगा और मैं